माइक दे दो मेरे पास, मैं दोला थोड़ा सा नहीं ऐसे आ जा मत, थोड़ा खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठो बैठो थोड़ा पीछे बैठो सर, का कौन थे मौला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठिए, आप मौला माशाल्लाह, चलिए ठीक है, मैं भी बैठ ही गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें इस एहसान पर, इस करम पर, इस इनाम पर कि अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। मैं एक दुआ आपको बता रहा हूं जो आपने चलते फिरते पढ़ते रहना, हालांकि ये दुआ आमतौर से जनाजे में पढ़ी जाती है, लेकिन ये मुर्दों की दुआ नहीं, ये जिंदों के लिए भी है। देखिए, जनाजे की दुआ में जो आखिरी लफ्ज़ पढ़ते ना, हो सकता है तकरीबन सभी लोगों को याद होगी कि जो आखिरी जुमला होता है, अल्लाहुम्म मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। क्या मतलब है इसका कि ए अल्लाह तू हम में से जिसको भी जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। कह दो आमीन। आमीन। तो ये दुआ जवानों से भी मैं कहूंगा। देखो, सफर करते हैं हम लोग, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, फोर व्हीलर पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, शेतकरी है, जो भी है, तो हमेशा ये दुआ करते रहा करो, क्योंकि सबसे कीमती दौलत है कि आदमी दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। क्योंकि इस वक्त जो डाकू है वो हमारे माल पर डाका नहीं डाल रहे, ईमान पर डाका डाल रहे, है ना। कोई हमारी तिजोरी लूट ले, कोई बड़ी बात नहीं, कोई खेती लूट ले, कोई बड़ी बात नहीं, मगर क्या करें, अभी ईमान के डाकू ज्यादा बढ़ गए। तब हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम अपने ईमान को बचा कर ले जाएं। और आखिरी बात मेरे यारों आपसे कहूंगा कि बहुत सारे साथी जो वहां पहुंच रहे, तो मैं वहां बहुत अहम बात करूंगा। कौन सा गांव है जहां जा रहे? खामगांव फाटा। तो वहां मैं बहुत जबरदस्त, अल्लाह जो भी दिमाग में डालेगा मैं कहूंगा, लेकिन आपसे मैं इतना कहूंगा कि देखो, ये अलन है, मैं यहां से अक्सर गुजरता रहता हूं, यहां पर बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की भी है, हमारे हिंदू भाइयों की भी है। तो मैं आपको एक पैगाम दूंगा, मैं सिर्फ एक मुस्लिम धर्मगुरु या मैं सिर्फ एक आलिम, एक मुफ्ती नहीं हूं, बल्कि मैं एक चैनल का, एक पेपर का मालिक हूं, और मैं एक पॉलिटिकल लीडर भी हूं। मैं आप तमाम लोगों से ये कहूंगा कि हमारे साथ में बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई रहते हैं या किसी और धर्म के लोग भी रहते हैं, तो देखो, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस कुरान के मानने वाले हैं, है ना, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, वो हमें सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रहे, तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान हाल रहे, तो अल्लाह तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मार देगा, इबादत कबूल नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि हमारे पड़ोस में कोई रमेश, कैलाश, प्रकाश, गणेश, दलित भाई, बौद्ध भाई, ब्राह्मण भाई, जैन भाई, कोई भी रहता है, मोहब्बतों का मामला करो। यह हमें इस्लाम तालीम देता है। और ये इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप दिमाग में सोचेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में चंद शैतान सिर्फ नफरतों का गेम कर रहे हैं, वो नफरतें फैलाना चाहते हैं, है ना, वो दुश्मनियां फैलाना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हम जमीयत उलमा वाले हैं, हमारे हमारे कायद, हमारे नेता, हमारे लीडर हजरत मौलाना अरशद बद्दी एक जुमला कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी, अरे बोलो भाई, पानी, पानी की जरूरत पड़ेगी, बरसात की जरूरत पड़ेगी, बारिश की जरूरत पड़ेगी। मौलाना अरशद बद्दी कहते हैं कि इन नफरतों की आग को बुझाने के लिए आप मोहब्बतों की, अमन की, शांति की बारिश कीजिए, इंशाअल्लाह दुश्मनों के पलाम, अरे बोलो, फेल हो जाएगी। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लेना, अपना ईमान है, जिंदगी मौत नफा नुकसान सब किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है। तो सिर्फ अल्लाह के हो जाओ और अपने अखलाक, अपने किरदार, अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना लेन देन, अपना पड़ोस,
बिल्कुल अखलाक इस्लाम की तालीमात से चलो, इंशाअल्लाह ये शैतानों की साजिशें फेल होगी जो नफरतों का गेम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, अरे बोलो हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और राहत इंदौरी ने क्या कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और आग लगाने वालों को राहत इंदौरी ने यह कहा था कि भाई आग लगेगी तो फिर तेरा भी घर आएगा, लेकिन राहत इंदौरी ने यह भी कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे बोलो जोर से थोड़ी है। तो प्यार मोहब्बत का मामला करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, जो जो लोग वहां पहुंचने चाहते हैं जरूर पहुंचें, खाली वक्त अगर आपके पास में, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत आपका नुकसान करके आए, अगर खाली वक्त है तो आप जरूर उस जगह पर आए, बहुत फायदा होगा। अलन वालों, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपकी इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूँ, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, कह दो आमीन आमीन। अल्लाह इस गाँव में अमन की शांति की हवाएं चला दे, कह दो आमीन आमीन। जितनी शेतकारी है, जितने कारोबारी है, मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते कहूंगा कि जितने कारोबारी है, जितने शेतकारी है, जिस तरीके से भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में खूब बरकतें नसीब फरमाए। एक और दुआ पर आमीन कह देना, ए अल्लाह हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, और ए अल्लाह हराम लुक्मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहां से एक्चुअल में फोन पर फोन आ रहे हैं, मुफ्ती हारून साहब जिंदाबाद, शहर जमीयत मुफ्ती हारून साहब जिंदाबाद।